और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में भाजपा को 5, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनडीए गठबंधन से शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। शरद पवार के समर्थन से खड़े जयंत पाटिल चुनाव हार गए हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 में 11 उम्मीदवारों में से महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को अप्रत्याशित जीत मिली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमें विश्वास था कि महायुति के सभी 9 लोग जीतेंगे। कई लोगों ने इसे चैलेंज किया था कि चमत्कार होगा क्या। चमत्कार सच में हुआ है। महायुति द्वारा जो विकास कार्य किया गया उसके लिए हमें अन्य पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार होगा है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन। और वहीं महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत की खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये हर्ष की बात है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीट गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं।